नमस्कार दोस्तों, न्यूज नाउ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख में भारत के साथ गुस्ताखी कर रहे चीन की एक बड़ी साजिश पता चली है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख देने वाली साजिश है। चीन एक साथ एक ही झटके में पूरी दुनिया पर आक्रमण का प्लान बना चुका है, या फिर ये कहें कि उसने इसके लिए बाकायदा तबाही का सामान भी जुटा लिया है। अभी खबर जैसे ही अमेरिका को लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि चीन एक ही झटके में अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकता है। अब आप कहेंगे कि चीन ने ऐसा क्या कर लिया है जिससे अमेरिका और भारत को सबसे बड़ा खतरा हो गया है? तो दोस्तों, ये बात आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि दुनिया की जमीन हड़प कर आग उगलने वाला ड्रैगन इन दिनों तेजी से अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। हाल में ली गई सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन उत्तर पश्चिम शहर युमेन के पास एक रेगिस्तान में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 100 से अधिक नए साइलो का निर्माण कर रहा है। साइलो दरअसल मिसाइलों को स्टोर करने के स्टोरेज कंटेनर होते हैं, जिनके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें रखी जाती हैं। चीन ने इनको बेहद सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने पोल पट्टी खोल दी कि चीन अपनी किलर मिसाइलों को छिपाने के लिए अब तीसरा विशाल अड्डा बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ये तीसरा मिसाइल अड्डा जिलनताई में बनाया जा रहा है, जो ताइवान के पास है। इस नए ठिकाने पर चीन की 100 नई DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जा सकेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर चीन के इस नए ठिकाने के निर्माण का पता लगाया है। बताया जा रहा है कि चीन का ये तीसरा ठिकाना भी उतना ही बड़ा है जितना कि दो अन्य ठिकाने हैं। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस पूरी रणनीतिक घटनाक्रम से वाकिफ है। अमेरिका के रणनीतिक कमांड के कमांडर चार्ल्स रिचर्ड ने कहा कि चीन के पहले दो मिसाइल अड्डे ड्रैगन के परमाणु ताकत के रूप में विस्फोटक विस्तार का हिस्सा है। रिचर्ड के मुताबिक, हम चीन के रणनीतिक शुरुआत के गवाह बन रहे हैं। चीन के परमाणु और परंपरागत ताकत के रूप में विस्फोटक विस्तार को बेहद खौफनाक करार दिया जा सकता है। चीन अभी और ज्यादा सतह से सतह पर हमला करने वाली मिसाइलों के लिए ठिकाने बना रहा है। चीन की नई मिसाइलें उसके अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों के जखीरे को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगी। चीन ने अभी बड़ी तादाद में मिसाइलों को पनडुब्बी, जमीन और रेल मोबाइल लॉन्चर्स पर तैनात कर रखा है। इससे पहले चीन के दोनों मिसाइल साइलो सामने आए थे। इसमें से एक हामी और दूसरा युमेन इलाके में बनाया जा रहा है। माना जाता है कि इन दोनों ही जगहों पर 110-110 मिसाइलों को रखने की जगह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन ने कई साल तक चुप्पी साधने के बाद अब दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना शुरू कर दिया है। साल 1960 के दशक में परमाणु बम का परीक्षण करने के बाद चीन ने कई दशक तक न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने पर जोर दिया था। माना जाता है कि चीन के पास 300 परमाणु बम थे, लेकिन अब शी जिनपिंग के नेतृत्व में ड्रैगन बहुत तेजी से परमाणु बमों का जखीरा बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस नए विस्तार की तीन वजहें हो सकती हैं। पहला, चीन अब अपनी बढ़ी हुई आर्थिक, तकनीकी और सैन्य ताकत के मुताबिक परमाणु बमों का जखीरा बनाना चाहता है। दूसरी वजह कि चीन अमेरिका की मिसाइल डिफेंस और भारत के बढ़ते परमाणु हथियारों से टेंशन में है। उन्होंने कहा कि भारत इन दिनों बहुत तेजी से अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है, तो वहीं रूस ने हाइपरसोनिक और ऑटोनॉमस हथियारों को बना लेने का ऐलान किया है। तो ऐसी संभावना है कि चीन इन सब के खिलाफ प्रभावी ताकत हासिल करना चाहता है। तीसरी वजह यह है कि चीन को डर है कि उसकी मिसाइलें दुश्मन के हमले में तबाह हो सकती हैं। ऐसे में वो 200 से ज्यादा मिसाइल साइलो बना रहा है। दो जगहों पर ठिकाना बनाने से अमेरिका को ये पता नहीं चल पाएगा कि कहां पर ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं। वैसे भी हर देश परमाणु डेटरेंस के लिए अपने हथियारों को अलग अलग तैनात रखता है। अगर कोई देश परमाणु हमला करता है तो इन ठिकानों पर तैनात मिसाइलें जवाबी कार्रवाई के लिए फायर की जाती हैं। चीन के पास G5 और D-41 जैसी घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज काफी ज्यादा होती है। ये एक महाद्वीप से उड़कर दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम होती है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी लॉन्च साइट से उड़कर अंतरिक्ष के रास्ते सफर करते हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद सकती हैं। ये मिसाइलें परंपरागत और परमाणु हथियार के साथ मार कर सकती हैं। चीन के पास कई ऐसी घातक मिसाइलें हैं जिनका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। शोधकर्ताओं को 119 ऐसे निर्माण स्थलों का पता चला है जहां चीन अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए नई सुविधाओं को बना रहा है। अगर 100 से अधिक मिसाइल साइलों का निर्माण पूरा हो जाता है तो इससे चीन की परमाणु क्षमता में भी काफी वृद्धि होगी। माना जाता है कि चीन के पास 250 से लेकर 350 की संख्या में परमाणु हथियारों का जखीरा है। ऐसे में चीन इन साइलोज में रखने के लिए और मिसाइलों का निर्माण जरूर करेगा। चीन पहले भी डिकॉय साइलो को तैनात कर चुका है। वैसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के रणनीतिकारों से अपनी मिसाइलों को छिपाने के लिए साइलो का निर्माण शुरू किया था। इससे रूसी सैन्य रणनीतिकारों को ये पता नहीं चल पाता था
कि अमेरिका के कौन से मिसाइल बेस पर कितनी परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में वो हमला करने का जोखिम नहीं उठाते थे। और अब चीन भी अमेरिका की ही राह पर चलता दिखाई दे रहा है। इसका निर्माण चीन की परमाणु हमले की जवाबी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए भी हो रहा है।